यदि हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर दे। इसे मैं बनाऊंगा दो तरीका से, लेकिन मैं इस वीडियो में एक ही मेथड, एक ही तरीका बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका सेकेंड मेथड यानी कि दूसरा तरीका भी मैं बताऊं, तो आपको कमेंट करना है। अगर 10 स्टूडेंट का कमेंट आ गया तब मैं इसका सेकेंड मेथड बना दूंगा। बात को आप लोग समझे, यानी कि मैं अभी इसे बना रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट मेथड से, पहला तरीका से बना रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सेकेंड मेथड भी, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा, तो आपको कमेंट करना है कि हाँ हमें दूसरा तरीका भी चाहिए। अगर 10 कमेंट आ गया 10 स्टूडेंट का, तब मैं यथाशीघ्र यानी कि जल्द से जल्द मैं इसका सेकेंड मेथड भी बना दूंगा। क्लियर? चलिए तो देखते हैं फर्स्ट मेथड। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू। तो ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे उतारता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले उतारूंगा। तो सेम टू सेम 1 + sin θ, थीटा के जगह पर कुछ भी रह सकता है। थीटा यानी कि ग्रीक लेटर है, थीटा, थीटा यानी कि दैट मीन्स एंगल, ठीक है, यानी कि कोण। क्लियर? यहाँ पे मैं उतार दूंगा इसे। मैंने आपको कंसेप्ट समझना है, यानी कि अवधारणा समझना है। थीटा के जगह पर ये भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर देंगे। क्लियर? बटा के देंगे। अब ये देखिए, इससे देखिए आपको कुछ याद आ रहा है अलजेब्रा का फॉर्मूला में? हमें तो आ रहा है याद, ये a प्लस बी फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम टू सेम इसका इसका सेटिंग कर देंगे इसके साथ, सवाल की बात हो रही है, इसका सेटिंग कर देंगे इसके साथ, ठीक है, यानी कि ये दोनों सेम टू सेम है देखने में, ठीक है। आप ऐसे लेकर जर तक का कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक। क्लियर? फिर नीचे भी, नीचे भी देखिए, ए यहाँ पर आपको घसना है समझाने के लिए, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए बी है तो ए उसका माइनस बी स्क्वायर दिया ना, तो ए के जगह पर एक है तो एक स्क्वायर नहीं देंगे, माइनस तो माइनस, बी के जगह पर sin थीटा, sin थीटा है, sin थीटा का स्क्वायर नहीं देंगे। नीचे भी वही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी किसके जगह पर है, बी के जगह पर क्या, cos थीटा, cos थीटा का स्क्वायर, ठीक, बराबर देंगे, लकीर खींचेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, एक को दो बार लिखेंगे तो क्या होगा, यानी कि एक दुना तो, एक को दो बार लिखेंगे तो क्या होगा, एक को दो बार लिखेंगे तो एक गुने एक तो क्या होगा, ठीक। अच्छा, फिर माइनस sin थीटा को दो बार लिखेंगे तो sin थीटा, ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर भी एक को दो बार लिखेंगे तो एक हो जाएगा, माइनस cos थीटा को दो बार लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नीचे में अब देखिए, 1 - sin² θ का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 1 - cos² θ का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है, मतलब 1 - sin² θ का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बट्टा था बट्टा 1 - cos² θ का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, cos बट्टे sin का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा, क्या होता है, cot थीटा होता है ना, नहीं तो आप इस सही था, गलती नहीं है, आप इसे ऐसे करके भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पे स्पेस का कमी है तो मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा, गलत नहीं था ये, ठीक है, ये वाला गलत नहीं था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, यानी कि यहाँ भी पावर यानी कि घात यानी कि एक्सपोनेंट दो, यहाँ भी दो, यहाँ पे चिपका दीजिए, cos थीटा दो बार है तो देखिए दो बार है गया, sin थीटा दो बार, sin थीटा दो बार, यानी कि इसको तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो यही आएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, cos बटे sin का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा होता है ना, ऊपर में दो यानी कि पावर यानी कि घात यानी कि एक्सपोनेंट दो होता है, दो यानी कि इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, cos बटे sin का सूत्र यानी कि फॉर्मूला cot थीटा होता है स्क्वायर। अब cot थीटा का फॉर्मूला मतलब cot थीटा का फॉर्मूला मतलब क्या दिया, वैल्यू क्या दिया, कहने का मतलब cot थीटा का वैल्यू क्या दिया है, मान क्या दिया है, 7/8 किताबे में है, क्वेश्चन में है, ठीक है। तो यहाँ पे चिपका देंगे 7/8 दो दे देंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं बनाना है, इतना बड़ा दो नहीं लिखना है, ढंग से लिखना है।
अब देखिए ऐसे तो नहीं करेंगे, सात दुना चौदह, आठ दुना सोलह, ऐसे नहीं, सात बटे आठ दो बार है, तो दो बार है तो दो बार लिख देंगे, एक बार और ये दो बार, ठीक। यहाँ पे नीचे स्पेस का कमी है तो यहाँ बना देते हैं। अब देखिए ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करते हैं ना, ऊपर ऊपर घसरा नहीं है समझाने के, ऊपर ऊपर नीचे नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो सात को गुना करेंगे सात से तो 49 हो गया, 49, ठीक। और आठ को गुना करेंगे आठ से तो 64 यानी कि 64, ठीक है, तो हो गया। आंसर